क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो मुनाफा नहीं? शरीर है तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा है लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डावाडोल? हुनर है कामयाबी नहीं? कलाकार हैं शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए समझिए आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पी के सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। दो दशकों से ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखें जाने ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं हूं शाइना और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता प्रोग्राम ग्रहों का संदेश। तो आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री पी के सरना जी से, जो ज्योतिष वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ है। सरना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सरना जी, आप हमें हमेशा ही ज्योतिष वास्तु और हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, ग्रहों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आपने पिछली बार हमें सूर्य ग्रह के बारे में बहुत कुछ बताया, तो मैं जानना चाहूँगी कि आज आप हमें चांद के बारे में कुछ बताइए। चांद का हमारे जीवन से क्या संबंध है, क्योंकि दर्शकों के लिए या फिर एक आम इंसान के लिए चांद एक चांद है, वो एक पर्टिकुलर ग्रह है जिसको जो हमें बहुत खूबसूरत सा लगता है देखने में, आंखों को आनंद देता है, लेकिन वास्तविकता में उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? देखिए, हम चांद की बात करते हैं। चांद हमसे सबसे नज़दीक का ग्रह है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है, समुद्र भी हैं यहाँ पे, समुद्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है चांद का। जैसे ही ज्वार भाटा आपने सुना होगा, इसका जब भी ये घटनाएं समुद्र में घटित होती हैं तो चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव हम देखते हैं इस पर, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है ये। समुद्र का जो पानी है उसमें जो नमक का रेशो है, करीब करीब वही हमारे शरीर में भी वैसा ही रेशो है। तो हम ये कहते हैं जब समुद्र प्रभावित होता है तो क्या इंसान प्रभावित नहीं होता? अरब सागर में पानी के अगर आप सैंपल उठाए गए हैं तो उसमें जो रेशो पाया गया है वो 65% पानी है और बाकी नमक वगैरह है। तो एक पर्टिकुलर रेशो हमारे शरीर में भी है वैसा ही, जैसा समुद्र में पानी का नमक का रेशो है। तो जब समुद्र प्रभावित होता है तो इंसान भी प्रभावित होते हैं। आपने ये देखा होगा कि पागलपन जैसे इंसान में कई बार आप नोट करती हैं, तो ये अमावस पे सबसे कम होता है। लेकिन जब चांद पूरे अपने वेग में होता है, अपने प्रभाव में होता है, पूर्णिमा की जो स्थिति होती है, तो उसमें पागल जो लोग हैं उनको सबसे अधिक दौरे पड़ते हैं। पूर्णिमा के दिन सबसे अधिक लोग पागलखानों में एडमिट होते हैं और अमावस पे सबसे कम रहती है ये इवेंट जो हैं। तो ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं, तो चांद का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सबसे नज़दीक का ग्रह है तो ये प्रभाव डालता है हम पे, हमारी डेली कार्यकलाप जो हैं, हमारी जो डेली इवेंट्स हैं उस पर पूरा प्रभाव चंद्रमा का आता है। जी सना जी, हमेशा की तरह यहाँ पर बहुत सारे मेल आए हैं। ये जो हमारे पास आज जो पहला प्रश्न है, ये वीरेंद्र जी हैं। इनका जन्म 21/3/1978 को 8:13 AM पर हुआ है, सुबह 8:13 AM पर दिल्ली में हुआ है। मेरा नाम वीरेंद्र पहवा है, मैं कनाडा में रहता हूँ। मैं अपनी मैरिज लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। एक मैरिज होकर टूट चुकी है, दूसरी हुई है परंतु वहाँ भी परेशानी बनी हुई है। मेरे माता पिता भी मेरे पास ही रहते हैं, छोटा भाई भी मैरिज करके कनाडा आ गया है। मुझे अपने करियर की भी बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती है। मैरिज लाइफ और करियर
स्मूथ बना रहे कुछ उपाय बताएं गुरु जी, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। वीरेंद्र जी नमस्कार, आपकी जन्म कुंडली मेरे सामने है, मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली को। लगन आपका मेष लगन है, लग्नेश चौथे घर में बैठे हैं, मंगल चौथे घर में बैठे हैं आपके, दशा शुक्र में केतु की चल रही है, बृहस्पति और सूर्य मारण कारक स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा इनका अपनी राशि का है, राहु केतु मूल त्रिकोण में है, शुक्र उच्च का है, बुध और मंगल नीच के हैं इनके। ये इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। जो शुक्र की दशा चल रही है इनकी, इनका जैसे सवाल है मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, मैं कहूँगा इनका हेल्थ से भी रिलेटेड है सवाल जी। शायद जिक्र नहीं कर पाए करियर और मैरिड लाइफ, हाँ, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ हेल्थ भी इनकी अफेक्टेड है। वीनस की जो दशा है इनकी, हेल्थ और मैरिड लाइफ की बात यहाँ पर खास तौर से उठ रही है। हाँ, ये जो शुक्र है इनको फॉरेन में सेटलमेंट तो दिलवा रहा है बाहर, ये जैसे है क्योंकि 12वां घर काफ़ी एक्टिव हो रहा है, इससे 12वें घर का पूरा प्रभाव आ रहा है, तो उस कारण से फॉरेन सेटलमेंट मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ तक हेल्थ और मैरिड लाइफ की बात है, दोनों अहम हिस्से हैं हमारी लाइफ के और ये शुक्र के कारण दोनों अफेक्टेड हैं। बुध भी जो है ये बैड इंडिकेशन दे रहा है मैरिड लाइफ के लिए, तो इन्हें जो है अगली दशा सूर्य की आएगी जो कि अगस्त से शुरू होती है, वो मैरिड लाइफ के लिए और कैरियर के लिए अच्छी रहेगी इनकी ये दशा। बृहस्पति बुध और मंगल के इन्हें मंत्र पाठ करने चाहिए, रेगुलर करने चाहिए, कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो कहीं किसी अच्छे पंडित जी से मिलके इनके ये मंत्र पाठ करवाएं, पूजा करवाएं। वीरवार को पीले वस्त्र पहने, मैरिड लाइफ में थोड़ी स्मूथनेस आएगी इनके। शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े पहने, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, ये इन दोनों का मैरिड लाइफ पर भी और कैरियर पर भी अच्छा प्रभाव आता है। मैं कहूँगा इतने से मात्र उपाय करके देखें, अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए इनको जी। मंत्र पाठ जरूर करें, मैं इनसे फिर बार बार ये कहूँगा। जहाँ तक स्टोन की बात है पहनने की, तो स्टोन फिलहाल अभी ये कोई भी धारण ना करें, स्टोन का बाद में कभी देखा जाएगा, अभी ठीक नहीं है इस स्थिति में कोई भी स्टोन पहनना ठीक नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ इनके लिए अच्छी रहेगी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। तो वीरेंद्र जी, जैसा कि सरना जी ने कहा है, आप पूजा पाठ ज़रूर कीजिए और हमारे बेस्ट विशेस जो है वो आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी ही आपकी मैरिज लाइफ और करियर लाइफ अच्छी बन जाए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, सर्टिफाइड एंड एनर्जी लेवल टेस्टेड जेमस्टोन्स, अ प्लेस फॉर रॉयल रिच एंड प्योर एस्ट्रो जेमस्टोन्स। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, 8208 शिवालिक मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017, फोन्स 09910553, 09910546, 09110549, ईमेल astrohelp@pksarna.com, वेबसाइट www.pksarna.com। एक के बाद ग्रहों का संदेश में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सना जी, हमारे पास जो आज का ये दूसरा मेल है, वैशाली जी हैं कैलकटा से, इनका जन्म कैलकटा में ही 31/3/1971 में हुआ है, 12:45 रात्रि के जी। सना जी, ये कैलकटा में ही रहती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोफेशन से ये डॉक्टर हैं और काफ़ी टाइम से जो है मैरिज की बातचीत इनकी चल रही है, परंतु टाइम से जो है कुछ भी नहीं हो पा रहा है और इनका कहना है कि एक आध बार मुझे भी कोई लड़का पसंद आया है और बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी भी, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाया, मामला वहीं पर रुक गया। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी मैरिज कब होगी तथा अरेंज होगी या फिर लव मैरिज होगी, कृपया बताएँ, कुछ उपाय हों तो वो भी बताएँ, मैं आपकी गाइडेंस को पूरी तरह से फॉलो करूँगी। नमस्कार वैशाली जी, आपकी कुंडली में देख रहा हूँ आपका लगन सेक्रेटेरियस है, लग्नेश 12वें घर में बैठे हैं जी, दशा बृहस्पति की चल रही है और उसमें बुध की भुक्ति चल रही है, शनि नीच के हैं और चंद्रमा उच्च के हैं,
जो जुपिटर हैं चौथे घर को इनके बता रहे हैं, इनके नक्षत्र के थ्रू शनि के नक्षत्र में हैं। चौथा घर जो है मैरिज को डिनाई करता है, डिनाई करता है मतलब उसको सिरे नहीं चढ़ने देता, उसको उसमें उस फील्ड में सफलता नहीं लेने देता ये। और जो मरकरी की दशा चल रही है, मरकरी केतु के स्टार में है, केतु जो है आठवें घर को सिग्निफाई कर रहा है और पाँचवें को कर रहा है जी। और मरकरी खुद सातवें और नौवें में है चलित में, तो जो बुध जो अपना प्रभाव दे रहे हैं सातवें और नौवें का प्रभाव दे रहे हैं चलित चार्ट में, निराणा भाव चलित में। जो मैरिज है इनकी अपनी पसंद की होगी, बुध की दशा में इनकी अपनी चॉइस की मैरिज, मुझे लव मैरिज इनकी अपनी चॉइस की होगी, जो प्रोफेशन में है उसी में ही कहीं ना कहीं रिलेटेड कोई इनको पसंद आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि काफ़ी अड़चनें मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो बृहस्पति है ये चौथे घर का प्रभाव लिए है, अड़चन एक देता ही है। तो ये बृहस्पति ग्रह की पूजा और मंत्र पाठ जरूर करें। रुद्राक्ष में भी सात और ग्यारह मुखी रुद्राक्ष पहने, साथ में दो मुखी रखे हैं, और इसका अच्छा प्रभाव इनको देखने को मिलेगा, मैं इतना जरूर कहूँगा। और इतना मात्र करें, इनसे अच्छे रिजल्ट इनके आ जाएंगे जी। सरना जी, वैशाली जी, जैसा कि सरना जी ने कहा है आपकी लव मैरिज होगी, तो मेरे ख्याल से किसी लड़की के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि उसकी शादी उसी से होगी जिसको वो पसंद करती है। बस सरना जी ने जो आपको सॉल्यूशन बताए हैं, जैसा कि आपने कहा है आप उनको फॉलो करेंगी, बस आप उनको फॉलो करती चलिए, तो देखिए इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है आपकी मैरिज हो जाएगी और आपको सफलता मिलेगी। और सरना जी, हमारे पास ये दूसरा जो मेल है वो वास्तु से रिलेटेड है, इनका नाम जो है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनका क्वेश्चन है हम ले लेते हैं। तना जी, इनका कहना है कि मेरी जॉब में हमेशा परेशानी बनी रहती है, बहुत देर तक ऑर्गेनाइजेशन में टिक नहीं पाता हूँ, जॉब बार बार चेंज करना पड़ता है, कारण समझ में नहीं आता है। मैं फ़िलहाल बेंगलोर में रह रहा हूँ, जल्दी ही दिल्ली आकर आपसे मिलना भी चाहता हूँ। आपका प्रोग्राम जो है मैं रोज़ाना देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कृपया गाइड करें, क्योंकि जॉब को लेकर जो है सस्पेंस नहीं, जो जॉब को लेकर मेरे मन में काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है और मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इनके जो इनका जो घर है या ऑफिस है उसमें इनकी मेन डोर की हालात जो देखने पड़ेंगे, कहीं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इनका घर या इनका जो ऑफिस है उसका जो केबिन खुलता है, जो डोर खुलता है, कहीं ऐसा ना हो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। अगर केबिन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है तो भी वहाँ बैठना मुश्किल रहता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो ये थोड़ा सा उस चीज़ को अपना बैलेंस करने की कोशिश करें, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, उस चीज़ को वहाँ से हट के एक डायरेक्शन चेंज कर लें अपनी। इस बात का भी ये ध्यान दें कि जो इनकी जो बैक है उसमें कहीं विंडो तो नहीं है, अगर विंडो है तो उस चीज़ को, विंडो को ये बंद रखें, और पीछे विंडो के पीछे कुछ सीनरी वगैरह ऐसी लगा लें, उसको चेंज कर दें, और ताकि वहाँ पर पीछे से कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ वगैरह इन पर प्रभाव ना डाले। और बेटर है ये जहाँ बैठे हैं अगर वहाँ किसी माउंटेन, किसी पहाड़, किसी ऐसी कोई तस्वीर लगाएं तो वो इनको स्टेबिलिटी देगी जी। तो इतना छोटा सा अगर ये उपाय कर लेते हैं, ये खुद ही इनके अपने हाथ में उपाय करना, मैं तो सिर्फ गाइड ही कर सकता हूँ जी। तो सरना जी, जैसा कि आपने इनको बताया कि माउंटेन्स कुछ इस तरह की तस्वीर लगा लें, तो क्या सभी के लिए ये सही रहेगा अगर अपने ऑफिस या अपने घरों में माउंटेन या कुछ इस तरह की तस्वीर लगा ले तो? नहीं, ऐसा सबके लिए, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ जनरलाइज, एक्चुअली वास्तु से रिलेटेड पहले भी ऐसा सुना है कि घर में पहाड़ों से, झरने से, माउंटेन से रिलेटेड इस तरह की तस्वीर लगाना शुभ होता है, तो क्या ये सच है? नहीं, बात बिल्कुल सही है, जहाँ पर हमें जो चीज़ का इस्तेमाल देना होता है वो हम वैसा ही गाइड कर देते हैं जी। लेकिन जनरलाइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। हाँ, ये जरूर है कि इसका लाभ तो जरूर मिलता है जी। तो सरना जी, अगर अब हम पामेस्ट्री की बात करते हैं, तो हस्त रेखाओं से भविष्य जाना जाता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जो लोग भी पामेस्ट्री देखते हैं, जैसे आप भी हस्तरेखा जो है अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं हस्तरेखा का, तो इसमें कुछ लोग कहते हैं हाथों का सुंदर जो होना है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे किसी का हाथ बहुत हार्ड होता है तो किसी का नॉर्मल होता है, किसी का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कोमल होता है, तो क्या उसका भी कोई अर्थ होता है सरना जी? देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कोमल हाथ भी अच्छा नहीं है जी। टेक्स्चर जो है स्किन का मीडियम होना चाहिए, हाथ पिंक कलर में होना चाहिए, उंगलियां, हाथ जो शेप है वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए जी। ना हाथ ज़्यादा छोटा हो, ना हाथ ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, बड़े हाथ की अपनी खासियत है, छोटे हाथ की अपनी खासियत है, मीडियम हैंड जो है उसकी अपनी खासियत है, लेकिन ये जो स्किन अच्छी है,
या कलर उसका कैसा है, ये सब चीज़ें आपकी टोटेलिटी को सपोर्ट करती हैं जो भी शेप है जी। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी मिलके अपना प्रभाव देती हैं ये सब। तो क्या अर्थ होता है, जैसे अगर किसी का हार्ड है तो आपने कहा अच्छा नहीं है, अगर किसी का हाथ हार्ड है तो क्या उसका अर्थ हुआ? उनका देखिए कैरियर बहुत ज़्यादा उठान पे नहीं रहता है, लाइफ रफ टफ बनी रहती है, परेशानियाँ फेस करते हैं, और इस पर अगर कहीं कुछ नेगेटिव अगर चिन्ह हो गए हाथ पर तो वो और जो है परेशानी बढ़ जाती है। एक तो करेला फिर नीम चढ़ा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाथ हो, हाथ में जाली हो, बहुत ज़्यादा क्रॉस हो तो भी परेशानी है। और अगर सॉफ्ट हाथ है तो भी फिर करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार वाले होते हैं, एक चीज़ पे कहीं बहुत ज़्यादा नतीजे पर पहुँच नहीं पाते, निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो परेशानी बनती है उनकी। और जैसे अभी आपने हाथ के साइज़ की बात की, किसी का देखने में आता है किसी की हथेली बहुत बड़ी होती है तो किसी की नॉर्मल या किसी की छोटी होती है, तो बड़ी बड़ी भारी हाथ, एक बड़ी हथेली होना, भारी हाथ होना एक शुभ योग है ये हाथ में, उनका लक अच्छा होता है। हाँ लक अच्छा होता है, बशर्ते दूसरी चीज़ें भी रेखाएं अपना प्रभाव लिए हों, ग्रह अपने प्रभाव लिए हों, ये सब चीज़ें अगर साथ साथ में चलें तो ही हम उस चीज़ के बारे में कुछ कह पाते हैं। हाथ बड़ा है लेकिन हाथ हार्ड है तो फिर वो नेगेटिविटी आ गई, स्किन अच्छी नहीं है तो नेगेटिविटी आ गई, स्किन में ब्लैक अगर टेक्सचर है या पीलापन है तो वो सब चीज़ें फिर नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। तो यानी कि इन सब का रिलेशन भी सरना जी पहले से ही होता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सॉफ्ट हाथ होना, हार्ड हाथ होना, हर किसी का एक अर्थ होता है, तो क्या ये सब पहले से ही होता है, जन्म के पहले से ही इसका भी वो होता है कुछ? जैसे ही परमात्मा जीवन देना चाहता है जी। उस हिसाब से बिल्टअप हो जाता है सब कुछ जी। हाथों के रेखाओं के बारे में, पामेस्ट्री के बारे में आप हमें और क्या बताना चाहेंगे सरना जी, किस तरह से वो हमारे भविष्य को बताते हैं? देखिए हम दिल जो होते हैं बॉडी पे उस पर काफ़ी जिक्र कर चुके हैं, उस पे तो हम पहले ही बहुत चर्चा कर चुके हैं। हाँ हाथ पे जाली वगैरह हैं, नेट वगैरह हैं, ये सब चीज़ों पे भी जिक्र हुआ है। क्रॉस की बात करें जी। हाथ पे ना कई जगह पे फिंगर्स पे क्रॉस वगैरह नज़र आते हैं, हथेली पर, ग्रहों पर, तो मैं ये कहूँगा ये जो है ना अच्छा लक्षण नहीं है ये। क्रॉस जहाँ पर भी होगा परेशानी के इंडिकेशंस रहते हैं, अगर ये क्रॉस इंडिपेंडेंट होता है तो परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। सपोज़ जैसे बृहस्पति ग्रह है जी। उस पर क्रॉस है तो सिर पर चोट लगती है, लेकिन ऐसे लोगों को ससुराल अच्छी मिलती है। सूर्य पर अगर क्रॉस है, ये सूर्य ये ग्रह है, बृहस्पति ये ग्रह है जी। सूर्य पर अगर ये क्रॉस आता है तो ऐसे लोगों को बदनामी जरूर मिलती है। हाँ बदनामी जरूर मिलती है, सेहत में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, आँखों से रिलेटेड समस्या आ जाती है। बुध पर, बुध ग्रह इसके साथ है, सूर्य के साथ जो है हाथ में ये स्थिति होती है, ये अगर रहता है तो ऐसे लोग थोड़ा सा चालबाजी, झूठ बोलना, बेईमानी करना, मक्कारी करना, ये सब चीज़ें भी साथ साथ में चल पड़ती हैं। और बुध ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो विवाह से संबंधित होती है, तो वो जो क्रॉस है उस मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, तो उस मैरिड लाइफ को भी कहीं ना कहीं या तो अविवाहित रह जाते हैं ऐसे लोग, या फिर विवाह के बाद जो है स्पाउस को परेशानी हो जाती है तो मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते ये लोग, तो बुध पर ये प्रभाव आता है। शुक्र पर जो क्रॉस है वो अफेयर्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अफेयर्स वगैरह बताता है, इस तरह की कई चीज़ें अपने ये क्रॉस जगह जगह पर इंडिकेशन देते हैं ये जी। तो ये तो सरना जी आज आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया हमें और हमारे दर्शकों को, और आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए, इस सब के लिए आप सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, ग्रहों का संदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम हमेशा की तरह कल फिर हाजिर होंगे आपको ये बताने के लिए कि कल के आपके ग्रह आपके लिए क्या संदेश लेकर आते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलने के लिए संपर्क करें श्री पी के सरना जी, 8208 शिवालिक मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017, फोन्स 0991100553, 0991100546, 0991100549, ईमेल astrohelp@pksarna.com, वेबसाइट www.pksarna.com।